गाइस, विंटर्स का टाइम आने वाला है एंड विंटर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे स्किन के हर पार्ट को मॉइस्चराइज करना, चाहे फिर वो हमारे लिप्स हो, हमारे हैंड्स हो, हमारे लेग्स हो, हमारा फेस हो, बॉडी के हर पार्ट को मॉइस्चराइज करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक मॉइस्चराइजर ही आपको लेकर के आई हूँ, जो है पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। ज्यादातर मैंने घरों में लोगों को इसे यूज करते हुए देखा है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका ही रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं या फिर अगर आप इसे यूज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये जो वीडियो है मेरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम की पैकेजिंग। तो गाइस, ये पॉन्ड्स जो कोल्ड क्रीम है ये कुछ इस तरीके के डिब्बे में आती है। इसका जो शेप है क्रीम का डिब्बे का काफी ज्यादा मुझे पसंद है। मुझे इसकी जो बाहर से इसकी जो पैकेजिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसको ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से हमें ट्विस्ट करना पड़ता है एंड ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का ये हो जाता है। इस तरह से हम इसे ट्विस्ट करके खोलना रहता है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्रीम है वो कुछ इस तरह की हमें मिल जाती है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो पैकेजिंग है वो देखने में तो अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा हाइजीन नहीं है, क्योंकि जितनी बार जितने लोग इस क्रीम को लेंगे, अलग अलग हाथों से लगा करके एंड अंदर क्रीम को टच करते हुए लेंगे। तो मुझे इस क्रीम की पैकेजिंग तो अच्छी लगी लेकिन बहुत ज्यादा हाइजीन नहीं है, ये मुझे इसके अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। इसके अलावा गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो ये देख लीजिए गाइस, मैं इसको ओपन कर रही हूँ एंड थोड़ी सी जो क्रीम है वो मैं लेकर के आपको अपने हैंड पर लगा करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की व्हाइट कलर की ये क्रीम आती है एंड जब भी हम अपने स्किन पर इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम अच्छे से कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज। लेकिन ये हमारे स्किन में जो है थोड़ी सी देर से एब्जॉर्ब होती है। अगर आप लोग की स्किन ऑयली है तो गाइज ये हमारे स्किन में थोड़ा सा लेट एब्जॉर्ब होती है इन कंपैरिजन टू ड्राई स्किन। अगर आप लोग की स्किन ड्राई है तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा सूट करेगी। मुझे इतना ज्यादा सूट नहीं करती है बिकॉज मेरी जो स्किन है वो ऑयली है। गाइज, ये जो क्रीम है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिनकी स्किन ड्राई है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है जितना की ड्राई स्किन वालों के लिए रहती है। नाउ गाइज, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी एज वेल एज इसकी प्राइस की। तो ये गाइज 100 ml की क्रीम है एंड ये 140 to 150 rupees हमें मिल जाती है। तो गाइज, आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा महंगी है ये क्रीम, क्योंकि 100 ml भी है, इसलिए मुझे ये जो क्रीम है बहुत ज्यादा महंगी नहीं लगी एंड बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं है, लेकिन हाँ अफोर्डेबल है, हम इजीली इसे अफोर्ड कर सकते हैं। नाउ गाइज, अब बात कर लेते हैं इस क्रीम में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स की। वाटर, मिनरल ऑयल इसमें है गाइज। मिनरल ऑयल हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, ग्लिसरीन है, बाद इसमें सिट्राइल एल्कोहल भी है। गाइज, कोई भी एल्कोहल हमारी स्किन पर हम अगर उसका रेगुलर यूज करते हैं तो हमारी स्किन को ड्राई कर सकता है। देन इसमें सनफ्लावर सीड ऑयल भी है, इसमें परफ्यूम है, परफ्यूम भी नहीं होना चाहिए, इसमें परफ्यूम भी है, पैराबीन्स भी हैं। गाइज, आई डोंट थिंक कि ये जो इसमें यूज होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। तो गाइज, मुझे इंग्रेडिएंट वाइज ये जो क्रीम है वो पसंद नहीं आई। मैंने इसकी जो पॉजिटिव बातें हैं एज वेल एज नेगेटिव बातें हैं दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। नाउ गाइज, अब बात कर लेते हैं ये जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है या नहीं। गाइज, ये जो क्रीम है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी मुझे लगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी नहीं है, साथ ही साथ इसमें लीकेज के भी जो चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं। सिर्फ इस तरह से इसको पैक कर दिया जाता है, इसमें कुछ इस तरह से लॉक रहता है ये एंड किसी भी तरह से ये ओपन होने के इसमें कोई चांसेस नहीं रहते, तो ये बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी मुझे लगा। बट इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। गाइज, मैंने इसकी पॉजिटिव बातें एज वेल एज नेगेटिव बातें दोनों ही आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस क्रीम को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो गाइज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट करके भी जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही एंड मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड
अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो गाइज जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।